Hello everyone. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. जी तेरे दादी माँ को चाय दी जी, आप लीजिए, मैं उनके लिए दूसरी बनाती हूँ। मैं ये उन्हें देती हूँ, तू मेरे लिए दूसरी ला। जी अच्छा। चाय ला रे बहू। पायला जी, मैं फ्रेंड को बुलाऊंगा, मेरे फ्रेंड की पार्टी। राहुल आउनी, ये क्या हो क्या रहा है? क्यों उसे बर्थडे पे सता रहे हो? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा हूँ और ये मुझे मना कर रही है। मम्मी, इसको बोलो अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर बुलाना। देखो, तुम दोनों में से कोई अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाएगा। हाँ। और तेरा स्कूल जाने का समय हो गया, जल्दी से तैयार हो जा। दादी देखो। नहीं नहीं बेटे, आप भी माँ जी बुलाने दो उसे। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। बस पहले भगवान को प्रणाम करके आप, बाद में नाश्ता करने। भगवान तो आप ही, आपको प्रणाम। दादी माँ, चल अवनी जल्दी कर, तेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया। चल, आज कोई कॉलेज वॉलेज नहीं माँ। क्यों? आज इसका जन्मदिन है। तो फिर मैं भी छुट्टी ले लूँ? ऑफ कोर्स। नहीं भैया, मैं तो कॉलेज जाऊंगी। हाँ? नहीं अवनी, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। राइट। क्योंकि आज हमें तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाना है। अब अगले साल तो तुम अपना जन्मदिन अपने पति के घर मनाओगे ना? देखो ना भैया, भाभी क्या कह रही है। सही तो कह रही है। और हम मनाएंगे आयान की पत्नी के साथ। मुझे इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी। शादी तो बहुत जरूरी है, ऊपर वाला सबके जोड़े बनाकर भेजता है, तेरी भी जोड़ी बनाकर भेजी होगी। ये देखिए सर, कोई अच्छी साड़ी दिखाइए ना। सर किस रेंज तक की चाहिए? देखिए, प्राइस वाइज की फिक्र मत कीजिए, कोई अच्छी साड़ी दिखाइए। अच्छा सर, आप ऊपर चले जाइए। Excuse me, मुझे यहाँ पे अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? I'm not a sales girl. नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन जब मैं किसी सेल्स गर्ल से पूछता हूँ, वो बोलती है हर साड़ी अच्छी है। आप एक अच्छी साड़ी लेने में मेरी मदद करेंगी? हाँ, excuse me. Excuse me, मुझे बिल्कुल ऐसी साड़ी चाहिए। कहाँ से ली आपने? ऊपर से नीचे से कहाँ से? ऊपर से। कितने के लिए आपने? कुछ 15-16,000. Very good. It looks very good on you. Very nice. Very beautiful. Sorry. I'm sorry. लेकिन मुझे अपनी साड़ी मिल गई। ये साड़ी दीजिए, ये मेरी है। ये happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Abhi, happy birthday to you, very good. और ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। इतनी सुंदर साड़ी। Obviously. ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे तुम पैसों की क्या फिक्र करती हो? One sister रहा है यार, महंगी चीज़ दोनों से। बंस, क्या हुआ? कल एक बिल्कुल मेरी टाइप की लड़की मुझे मिली। क्या बात कर रहा है यार? और उसकी साड़ी मेरे पास रह गई। तो वो घर कैसे गई? अबे वैसे नहीं यार, वैसे बैग्स एक्सचेंज हो गए साड़ी के। अच्छा, बैग एक्सचेंज हो गए थे? हाँ। देखना, बड़ा सिंपल सा मैटर है, तू बैग लेके जा उसके घर में, बैग देखे आ और दिल एक्सचेंज कर ले, सिंपल। बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ना उसका अत्ता मालूम मुझे, ना उसका पता मालूम। तो पता लगाओ ना बाबा, पता लगाओ। अबे कैसे लगाओ, ऊपर वाले से कह दो कि भेज दे उसे मेरी झोली में। अबे वो बयान, बाय गॉड क्या सही चीज है यार, तू गिर जा। इसको छोड़िए मत, अगर तो कुछ और मांग लेता ना भाई गॉड, तो मजा आ गया। अबे इससे अच्छा और क्या मांगू। हाँ ये भी सही है, एक्चुअली शी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल, आई स्वेयर। पीला पोपट हमारे पास क्यों आ रहा है? भाई साहब, अच्छी बॉडी बनाई है। थैंक यू सर। इसके अलावा और कुछ भी करते हो क्या? एक्सक्यूज मी
ये क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, हमारा अपना गैराज है, हमारे अंडर 20 लोग काम करते हैं और आज तक लड़कियां इन पे मरती आई हैं। लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पे मरे हैं। He is flat, he is in love, I swear I'm telling you. कौन? अबे ये सब क्यों बता रहा है? ओ, by the way, कमाल है आपका, बातों बातों में हिस्ट्री पूछ ली आपने हमारी। Excuse me. आयान, देखो जो एक्सरसाइज कर रही है ना, गलत कर रही है। This is the best time. तो बात करके और एक्सरसाइज ठीक करा क्या? अबे पागल है, कैसे लगे कि लाइन मार रहा हूँ? अबे पागल मत बन आयान, तेरे को ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। कमाल, कट गो, 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 कमाल। आप कहाँ जा रहे हैं? कबाब में हड्डू। जिंदगी में पहली बार वो रोमांस करने जा रहे हैं, उसको छोड़ दो अकेला। हाय, आप ये गलत कर रही है। आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं? जी नहीं, बॉडी बिल्डर है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। आपके पीठ में दर्द हो जाएगा, शायद स्लिप डिस्क भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा अपनी पीठ को सीट पे टेके। अरे चाचा इधर देखो, इधर देखो चाचा। उसके बाद कीजिए, और ये ग्रिप यहाँ पे अब कीजिए। अरे चाचा आप तो अटक गए यार, चलो कीजिए ना। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, साड़ी की दुकान में मिले थे। उस साड़ी की दुकान के बारे में तो बात भी मत करना। पता है उन लोगों ने मेरी साड़ी को एक्सचेंज कर दिया था। I just hate cheaters. How dare they? साड़ी की बात मत करना। साड़ी की नहीं। लेकिन आप मैं तो सू करने वाली हूँ, उनको कोर्ट लेकर जाऊंगी, देखना। बाहर निकलो। अब by the way, I'm Bunts, Ayan's friend. I'm Ayan. चलो बेटी, चलो। बेटी? बेटी? मैं तेरे को बाहर मिलता हूँ। चलो। साड़ी वाले होती ही कमीने। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बेटी। पैर छू लो यार, माफ कर देंगे। अरे यार ये क्या कर रहे हो सर? कम ऑन यार, आई अंडरस्टैंड, ये सब होता है। यू आर अ नाइस बॉय। थैंक यू सर। सर अच्छा सर, आपकी लड़की का नाम क्या पूछ रहे हैं? उसका नाम आहाना है और वो मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग, ग्लैमर वर्ल्ड। चलो ना पापा। हाँ आया आया। ऑल द बेस्ट। निकल। बेबी पड़ गई और बाप भी पड़ गया। एक्शन। कट। ओके। एक टाइम क्लोज लगाएंगे। ये मॉडल है, तेरे को देख रही लगा रहे। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। क्या कर रहे हो तुम? डू इट अगेन, कम ऑन फास्ट। क्या साड़ी है? गधे, वाह बोलना है। देखिए जो वो मॉडल लड़का है ना, जो बाइक चला रहा है, उसे अच्छी तरह से बाइक चलाना नहीं आता। प्लीज चेंज द बॉय। ऐसे कीजिए, जिसकी खुद की बाइक है उसे चलाने दीजिए। मैडम आपने डिसीजन तो कमाल लिया। आयान तो कमाल राइड करता बाइक। ओह इज माइंड ब्लोइंग। वाओ क्या गाड़ी है। वाओ क्या साड़ी है। Who's taken my daughter? Don't worry, Ayan handle कर लेगा। Who the hell is Ayan? Ayan is my friend, madam. And who the hell are you? I am Bunty, Ayan's friend. देखिए मैडम आप समझी नहीं, Ayan बड़ा स्मार्ट लड़का है और आपकी लड़की को बहुत। I don't care. I'm worried for my daughter. You don't understand. Ayan is a very smart guy and he's about... Shut up. It's not funny, okay? It's not funny. I'm going. अबे कहाँ जा रहा है? अभी तो आया यार। For your kind information, I recently got married. मेरी अभी अभी शादी हुई है. Do you mind? तो उसमें क्या? No more discussions. तेरी शादी नहीं हुई. शादी होगी तो मालूम पड़ेगा. शादी के बाद आदमी बन जाता है. Binding, total bond. कौन रहे वो? अरे आप? आप? Welcome, welcome, welcome. आप कैसी हैं और आपकी मॉम कैसी है? I'm really sorry about that day. मम्मी को भी बहुत बुरा लगा। No, it's okay, जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया। अयान? Hi. Hi. अयान भी यहाँ काम करता है? अरे ये तो मालिक है यहाँ, आपको मालूम नहीं? He's a rich man. आपने देखा वो शाहरुख के सामने वाला बंगलो? हाँ। जिसमें बड़ा सा गार्डन है, वो बंगलो उसी का है। एटलीस्ट 50 crores का होगा। हाँ। इसको ज्यादा बोलने की आदत है। It's only about 30 crores. Hi. Hi. How are you?
कहीं कैसे आना हो? वो मेरी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हमेशा की तरह। अरे आपको भी ये प्रॉब्लम है, इनको भी ये प्रॉब्लम है। इनकी गाड़ी तो आज तक कभी स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन लग रहा है कि आज गाड़ी भी स्टार्ट हुई है, बैटरी भी चार्ज है और इग्निशन भी बराबर है। कितना टाइम लगेगा? दो मिनट। जी नहीं, एटलीस्ट एक दिन लग जाएगा। ओह माय गॉड। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 घंटे में ठीक हो जाए। अच्छा तो मैं तब तक क्या करूं? अब ये गैराज आपका है, प्लीज अब आई मीन बैठे ना झूले पे, प्लीज ले जाना मैडम को। यस श्योर, आइए आइए। ओह थैंक्स। हेल्प कर दो, थोड़ा सा हाई है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू। थैंक यू। अरे ये क्या, बन सरिता अयान? नहीं आप। मैं चलूं? थोड़ी देर रुकी ना, अपनी गाड़ी ले जाइए। नहीं, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। ओके ओके ओके। आपकी गाड़ी बनी नहीं है तो आप मेरी गाड़ी ले जाइए। या थैंक्स, बाय। अरे आप तो बहुत जल्दी जा रहे हो। आर यू ओके? आई एम ओके, बाय बाय। ये कोई जगह ढूंढ नहीं सकने की, चुप कर। अरे आहना की डायरी हीरे गई। आहना! हाँ? ड्राइव केयरफुली, बाय बाय। आयान ये देख क्या है, ये डायरी नहीं मेरे भाई, तेरी मोहब्बत का दरवाजा है, इसको खोल अंदर बाहर दे। देखिए तो देखिए कैसे दिल चुरा के चल दिए, चोरी छुप के किसी के दिल में दिल का लुटेरा, देखिए जरा किस अदा से करता देरा। दिल चुरा के चल दिए, दिल चुरा के चल दिए। White suit with the red tie. Yes. Namaste. Namaste. Come in. कहिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जब आना मॉडलिंग करी थी तो मैं मोटरसाइकिल लेके आया था और आपने मेरे एक दोस्त को एक। Oh, I see. आपकी छोटी बहन कहाँ है? आना? आना मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है। Oh my God, this is unbelievable. You're so fit. किस काम से आए हो? कल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं। ओह आई सी, ठीक है बिल भिजवा दीजिए, हम आपको पैसे भिजवा देंगे। छोटी सी बात है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अरे सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे पहचाना ना सर? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है, हैंडसम बॉय, हाउ आर यू? थैंक यू सर। बाय मम्मा, मैं जा रही। अरे आहना, हाय। एंड दिस मस्ट बी टफी। तुम्हें कैसे मालूम इसका नाम टफी है? टफी क्योंकि हम आपके अकाउंट के बाद हर कुत्ते का नाम टफी है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। Oh, you wearing Versace? Huh, my favorite perfume. Mine too. I don't believe it. No, really? Oh, excuse me. Sungi sir? Yeah, Anna? Chache. Aur aapka? Poison. Oh, very good. Ye white color tumpe bahut acha lagta hai. Thank you. White is my favorite color because it symbolizes purity and peace. Wow, kya baat kahi hai? Sir. Agar maa beti raste pe chale na, to toss hai. Kya? डिसाइड करना मुश्किल होगा कौन बेटर है। इधर 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 तू इधर। मैं जानता हूँ तुम अच्छे लड़के हो। थैंक यू सर। और मैं ये भी जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। क्या सर? अच्छा एक बात बताओ, तुम माँ को इम्प्रेस कर रहे हो कि बेटी को? सर बेटी को सर, लेकिन माँ के थ्रू। मत करना, गलत है, माँ बहुत इंटेलिजेंट है। इनफ। आइए। हिटलर है हिटलर।
यार सारे रेस्टोरेंट्स में से तुम्हें यही जगह पसंद क्यों? This place is quite cool. I like the music, the food. अच्छा. लेकिन यहाँ की सर्विस जो है ना थोड़ी सी स्लो है. एक ही माइनस पॉइंट है. राजू तुम यहाँ के लोगों को भी जानते हो. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून राजू. थैंक यू सर. आई एम नॉट राजू, आई एम अकबर. ऑलवेज राजू सर. विच राजू? ओके डस मैम, आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए. यस सर. मैम फॉर यू रेगुलर वन. हाँ वही. एक्सक्यूज मी, क्या आज मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकता हूँ? क्यों? इसलिए क्योंकि आपने हमें लंच में बुलाया है? नहीं, इसलिए मुझे देखना है कि आपका टेस्ट मेरा टेस्ट देख रही है. प्लीज गो अहेड. टू सिज़लर्स. ओके सर. हाँ सिज़लर्स. क्यों पसंद नहीं है? बहुत पसंद है. लेकिन आपको कैसे पता कि यही मुझे पसंद है? पढ़ के. पढ़ के? मैं फेस रीडिंग करता हूँ. मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे सिज़लर्स मुझे भी बहुत पसंद है. What a coincidence. मिस्टर राजू आप जल्दी से जाएं और आराम से खाना लेके आए. सर आई एम नॉट राजू. अकबर. यस थैंक यू. ओके सर. ओके सर. और ऐसे खड़े होकर बम को इतनी तकलीफ नहीं देते. यस सर. ओके मिस्टर आयान, ये तो बताइए आपको और क्या क्या पसंद है? तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी हंसी. बस बस बस. मेरे बारे में नहीं जानोगी? हाँ. आपका फेवरेट कलर? ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन. ओके. फेवरेट स्पोर्ट? स्विमिंग. आपका भी? जी. फेवरेट एक्टर? जिम कैरी. अनबिलीवेबल, मेरा फेवरेट एक्टर भी वही है. अच्छा. अच्छा आपका फेवरेट हिल स्टेशन? ये मैं कल बताऊंगा. क्यों? कल के लिए तो कुछ छोड़िए ना. काफी मजा आया. हम वेरी हैप्पी. चाहती हूँ मैं अपनी डायरी में ये सब कुछ लिखूंगी. आप डायरी भी लिखती हैं? हाँ रोज. अच्छा. तो मेरा फोन का इंतजार कर रही थी? नहीं तो मैं क्यों इंतजार करूं? तुमको जानना ना मेरा फेवरेट स्टेशन कौन सा है? हाँ? इंडिया में ऊटी और अब्रॉड में स्विट्जरलैंड. ये तो मेरे भी फेवरेट हिल स्टेशन है. What a coincidence. क्या कर रही तुम अभी? अपने बेडरूम में. सोने जा रही थी? कुछ नहीं, बस लेटी हुई हूँ. हाँ वही. क्या पहनी? क्या हो? नाइटी. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? देख तो नहीं रहा? नहीं तो मैं तो नाइटी पहनी हूँ. हंस क्यों रहे हो? ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. कल मिलेंगे? कल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ. परसों? परसों शायद. देखते हैं. ओके बाय. मम्मा. हाँ बेटा. मेरी डायरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम. हाँ डायरी नहीं मिल रही मेरी. तुम्हें जो लिखती है मुझे उससे प्यार हो गया है. अच्छा हुआ कि तुम सही आदमी के हाथ में आई हो. कहाँ छुपाऊं तुम्हें? जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है.
Ayan, he's so cute. मेरी पसंद नापसंद जैसे उसने मेरे दिल में उतर कर सब कुछ पढ़ लिया हो। अगर ये लड़का मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं जिंदगी भर बहुत खुश रहूंगी। क्या यही प्यार है? आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाइनाटाउन चलें? क्यों, यही बैठते हैं ना। हाँ प्लीज बैठते हैं ना बाकड़े पे, आइए कम। या कैरी ऑन, आई एम क्वाइट बिजी, लॉट ऑफ वर्क टू डू यू नो। जब प्यार की गाड़ी चली रही थी तो बंटी बंटी बंटी, अब चलने के लिए तो भूल गया बंटी को। इसी का नाम दुनिया है बाबू। शट अप। वाओ वाह, इतनी खूबसूरत जगह है यार। लगता है ना कि मुंबई से बाहर है। हाँ कहिए, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली थी। हाँ मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं, नो गर्लफ्रेंड। क्या तुम किसी लड़की को चाहते हो? हाँ एक लड़की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मुझे चाहती कि नहीं। कौन है वो? हाँ जानते हो अयान, तुम्हारे मेरे ख्यालात हर जगह मिलते हैं, बस यही नहीं मिलते। मैं समझाने, तुम अपनी दिल की बात अपने दिल में रखते हो और मैं अपनी दिल की बात डायरेक्टली बोल देती हूँ। मैं अभी भी नहीं समझा। जिस लड़की को तुम चाहते हो वो मैं हूं ना? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। नहीं नहीं आना, मैं तुमसे शादी के लिए तड़प रहा। ओके तो फिर मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। मैं भी अपनी मम्मी से बात कर लूंगा। ओके गले लगना चाहते हो? इट्स ओके, शादी के बाद। शादी के बाद मैं इंतजार नहीं करने दूंगी, मैं लग जाती हूँ। ओके बाय बाय। और आना, हाँ तुम्हारी सैंडल। सो स्वीट। हाँ पापा, आपने मुझसे कल क्या कहा था? नहीं क्या कहा था आपने मुझसे? कि आप जैसा आदमी मुझे नहीं मिलेगा। मिल गया। मिल गया? कौन है वो? अयान, वो गैराज वाला लड़का। हाँ वही अयान। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? क्यों? मैंने तुम्हारे शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा होने वाला दामाद एक करोड़पति होगा। मम्मा अयान भी तो करोड़पति है, पता है पापा? उनका सिर्फ बंगला 15 करोड़ का है। ओहो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंगला बेच देंगे, 5 करोड़ का पेंट हाउस खरीद लेंगे, 10 करोड़ बैंक में रख के उसकी इंटरेस्ट भी जिएंगे। तुम लोग कर रहे हो क्यों? वेरी गुड, घर अभी बसा नहीं, बेचने का डिसीजन भी हो गया। यार तुम चीज, तुम चुप रहो। नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो लड़का शरीफ है। देखो बेटा, अगर उसे कोई गलती हो जाए उसको 50 जूते मार लेना, लेकिन उसकी जिंदगी मत बर्बाद करना। क्या पापा तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अरे सुनो सुनो सुनो, कल को शादी में कोई प्रॉब्लम भी आई ना तो बेटा फट से डिवोर्स दे देना, फिनिश। हाँ जैसे तुमने दिया है, तुम्हें काम करो, इसको अपने मुंह में डालो, मुंह बंद रखो। ओहो आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग अयान को जानते नहीं है, वो बहुत अच्छा है। He's just so amazing. पता है उसकी लाइक्स डिसलाइक्स पसंद नापसंद बिल्कुल मेरी तरह, और पता है मामा वो मेरा चेहरा पढ़कर मेरे मन की बात जान लेता है। I think he's wonderful and I love him. We'll be right back.
मेरी जो बेटी है ना वह सीधी साधी है, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे संस्कृति वाली है। उसके पवित्र कदम आप लोगों के घर में पड़ेंगे ना, आप लोगों की इज्जत को, हाँ, इज्जत को चार चांद लग जाएंगे। हमें ऐसी बहू चाहिए। आइए आइए दूल्हे राजा। हाय हाय। अरे एक मिनट यार, बात चलो। अरे भाभी काफी मॉडर्न है, भैया की तो निकल पड़ी। चुप कर राहुल। थैंक यू कहो। थैंक यू। पूछोगे नहीं क्यों? वो क्या है ना, सिर्फ गहरे निकालने में पूरा एक घंटा जाता है, तो मैंने सोचा। यार कुछ मिसिंग है। क्या? हमारा फेवरेट परफ्यूम वर्साचे। ग्यारह बज गए और भाभी अभी तक सो रही है। मैं उठा के लेके आता हूँ। अयान भैया, रात भर तो आप ही ने उसे जगाया होगा, आप तो सोने दीजिए। लेकिन भाभी, करण ने भी तो आपको रात भर जगाया ही ना, लेकिन आप तो उठ गई। अयान सोने दे बहू को। ये का नई बहू जी है? हाँ। बहुत स्मार्ट लागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय भाभी, नाइस ड्रेस, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। अबे थैंक्स। क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर ऊपर चले। मैं अभी आई। अरे यार क्या हुआ? ये तुम क्या पहन के नीचे चली आई? व्हाई, इजंट इट ब्यूटीफुल? आई लव दिस नाइटी। यू नो इट्स वेरी नाइस, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। ये ऊपर से थोड़ी सी नीचे है और नीचे से थोड़ी सी ऊपर है। पर मैं कंफर्टेबल हूँ। इवन आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन सिर्फ बेडरूम में, बाहर आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। मम्मी ने इतने प्यार से बनवाई थी। हाँ, तू अपनी मम्मी को दो ना, तुम्हारी मम्मी से बहुत अच्छी लगेंगी। मम्मी के पास बहुत है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर डैडी। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये ड्रेस किसके लिए पहनी? और किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? सच? अब तुम्हें मालूम है ना कि हर आदमी पे एक ही चीज का भूत सवार रहता है। सेक्स। डिस्गस्टिंग। है ना? ऐसे तीन डिस्गस्टिंग लोग मेरे घर में मौजूद हैं। एक मेरा धोबी, एक मेरा नौकर और एक मेरा दूध वाला। और दूध वाले की सोच ना इस मामले में बहुत दूर दूर तक जाती है। अयान, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं ये ड्रेस बेडरूम से बाहर नहीं पहनूं? हाँ। तो बस इतना बोल दो ना, मैं नहीं पहनूंगी। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, एक दिन मैं तुम्हें 100% कन्विंस कर दूंगा। आयान, बेडरूम के अंदर तो तुम कंफर्टेबल हो ना? बोला ना वेरी अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि बेडरूम में ऊपर से थोड़ा सा और नीचे और नीचे से थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। नॉटी। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। सी यू लेटर। ऑर्थोडॉक्स। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। आइए ना, आइए। बंसी जी, माजी सामान लो। नमस्ते। आइए। कैसे हो बंसी? कैसे हो? बैठिए भाई साहब, बैठिए।
पाए लागू। अरे अरे जीती रहो बहू। हेलो, तुम्हारे मम्मी डैडी आए हैं। नमस्ते अंकल। हां बेटा कैसे हो? मम्मा कम माय डार्लिंग, आई मिस्ड यू। हाउ आर यू? फाइन। कैसी हो? पापा नमस्ते। कैसी हो मेरी बेटी? फाइन। नमस्ते। नमस्ते बेटा कैसे हो? कम आना, यहां बैठो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर रहा है? हां थैंक यू। नमस्ते। हां खुश तो हो ना? बहुत गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप दोनों ने हनीमून के लिए कहाँ जाने के लिए सोचा है? जी हम लोग सोच रहे थे कि खंडाला चले जाएं। हाँ। मैं जानती थी कि ख्यालों में भी तुम खंडाला के आगे नहीं जा सकते। But anyway, don't worry. I have a lovely surprise for you. 2 tickets to London. London? Mama, I love you. हाँ ना? फिर ये दो लंदन की टिकट्स का क्या होगा? हमारा जमाई बहुत खुदगर्ज आदमी है, हमसे टिकट नहीं लेगा। एक काम करते हैं, इन दो टिकटों पर हम दोनों लंदन चले। नहीं नहीं, मैं लंदन अपने हनीमून पे जाऊंगा ना। अरे वाह भाभी, ये पूरी फैमिली आ गई है। वाओ कितना खूबसूरत हार है। हाँ अच्छा है यावनी, ले लेना। नहीं भैया। हाँ ले लेना। नहीं भैया। अरे ले ले। चलो तुम लोग नीचे जाओ चलो। और भाभी आप? नहीं लिपस्टिक। मां आपको? मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बहू अपनी खुशी से ये सारी चीजें लाई है, उसी के पास रहने दो ना। तुम क्यों सबको बांट रहे हो? चलो नीचे। भाभी अगर आपको ये हार पहनना हो तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी। आना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन दूसरों की चीजों के लिए। दूसरों की चीजों पर? तुम्हें पता था ना कि वो चीजें मेरी थी। उसके पास रहे तुम्हारे पास रहे फर्क क्या पड़ता है? मुझे वो चीजें अच्छी लगी थी तो मैंने खरीदी, वो भी अपने पैसों से, और तुमने उन्हें दे दी, मुझसे पूछा तक नहीं। डोंट केयर। कहाँ जा रहे हो? वापस लेने? अवनी वो हार वापस दे कर। माँ मैं नहीं हार वापस दूंगी, मुझे बहुत पसंद है। अवनी सुना नहीं तूने? जाकर देख क्या। देख बेटी आयन से कहकर इससे भी अच्छा हार तेरे लिए मंगवा कर मैं तुझे दे दूंगी, समझने की कोशिश कर अवनी। जा जा बेटी, खुशी खुशी देख कर आ। रोते नहीं रोते नहीं, जा। रुको अवनी दीदी, मैं भी आता हूँ। अवनी मैं भी आती हूँ चलो। क्या हुआ भाभी? ये मैंने पहनकर देखा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ये आप ही रखें। आहाना इसे तुम ही रख लो, ये लिपस्टिक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। माँ कहती है ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएंगे। ले लो बेटा, फ्रॉम माई साइड। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। खुश हो ना अपने पूरे परिवार के सामने मुझे जलील करके? अब मैंने क्या किया है? क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जितना तुम अपनी मोटरसाइकिल्स को समझते हो ना, काश उसका 25% तो मुझे समझते। ब्लडी मैकेनिक। क्या? ब्लडी मैकेनिक। इवन माय मोटरसाइकिल्स बेटर देन यू। क्या? कुछ नहीं, नथिंग। Hey. Hello. क्या है? क्या चाहिए आपको? आना मुझसे बात मत करो। आना
का झगड़ा कल खत्म हो गया, आज फ्रेश दिन है। आई लव यू वेरी मच। मैंने दिल तुझको दिया। झूठ। सच। एक नई पिक्चर रिलीज हुई है उसमें। पता है लेकिन हमारी कहां किस्मत कि हम पिक्चर देखने जाए। 11 बजे 12 बजे का शो है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आई लव यू। शादी इज माइंड ब्लोइंग समटाइम्स, समटाइम्स ब्लोइंग माइंड। जा चलो ना, देर हो जाएगी। देखो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दादी हाँ, तैयार नहीं करूँ। दादी माँ आपको इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि अयान ने खास करके हम सब के लिए टिकट्स लिए और आप अयान की बात टाल नहीं सकते। सब लोग चल, भाभी भाभी हम सब लोग तैयार है, बस दादी माँ 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। तुम लोग भी बाहर जा रहे हो? हाँ, आपको नहीं पता हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, चलिए ना। ओह राहुल सर, अयान को बुला दो, अभी भेजता हूँ। अयान भैया, बिल्कुल हम साथ साथ हैं और हम आते हैं घर की तरह। जॉइंट फैमिली मतलब सुखी फैमिली, हमेशा याद। आया आया आया, चलो ना। मुझे नहीं आना। क्यों? पूरे परिवार को पिक्चर दिखाना चाहते थे इसलिए मुझे मस्का लगा रहे थे। अरे मैं तो ये सोचा तुम खुश होगी सबके साथ जाने में। बीवी अपने हस्बैंड के साथ अकेले जाने में खुशी महसूस करती है, पूरी पलटन के साथ नहीं। ओ पलटन। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने ना। अब सोचो वहां पे हम लोग अकेले होंगे। नहीं ना, अब मैं यहां तुम्हारे साथ ऐसा बैठा हूं, रोमांस कर रहा हूं तुम्हारे साथ थिएटर में, और यहां पे एक आदमी बैठ तुम्हारे साथ यूं कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं इन सबको सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूं, समझी? आई एम नॉट कन्विंस्ड। वन डे आई विल कन्विंस यू। आई एम बीट। चलिए ना, लेट हो रहा है। चलो 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 प्लीज। आयान फोन है। किसका? पाजी का। हेलो आयान, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या माँ? तू बाप बनने वाला है। सच? Love you. आयान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ क्या? आओ। जो कुछ भी कहना है सब कह दो। तुम मेरे बच्चे की माँ जो बनने वाली हो। आयान, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। हर शादीशुदा औरत को माँ बनने की ख्वाहिश होती है, और तुम हो क्या? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन I just don't feel this is the right age. मेरी उम्र ही क्या है, हाँ? Right age? उम्र ही क्या है? अरे जब मेरी माँ तुमसे 4 साल छोटी थी, तो मैं मुझे पैदा किया। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि बच्चा पैदा मत करो? तुम मेरी माँ को क्यों बीच में घसीट रहे हो? जब मैंने अपने माँ के बारे में बात की तो तुमने अपने मुंह क्यों फेर लिया? ओके ओके, बस इतना बताओ हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम? 4 महीने 17 दिन। इन 4 महीने 17 दिनों में हम लोगों ने कितनी बार झगड़ा किया यार? झगड़े याद है? कितना प्यार किया है वो भूल गई? और फिर इन झगड़ों से बच्चे का क्या संबंध है? संबंध है, अगर अगर बच्चे के आने के बाद हम लोगों ने इसी तरह से झगड़े किए तो बच्चे पर क्या असर होगा? I think नहीं, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। No, you're right. I agree. तुम right हो, इसलिए आज के बाद कोई झगड़े नहीं, ओके? हर झगड़े के बाद तुम यही कहते हो। देखो जब झगड़े नहीं होंगे तो मैं ये कैसे कहूंगा आई लव यू। इस मामले में मेरी फैमिली आशु बहुत ऑर्थोडॉक्स है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम इस बच्चे को मार रही हो।
तुम सिर्फ उनके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचना ही मत। मुझे कोई लेना देना ही नहीं वो क्या सोचते हैं, तुम्हारी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा खानदान क्या सोचता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे ये बच्चा चाहिए, समझे? I want my firstborn, our firstborn. मुझे ये बच्चा चाहिए बस। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था कि मिडिल क्लास लड़के से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अपनी जिंदगी अपने हाथों से तुमने बिगाड़ी है। मामा, बीती हुई बातों पर डिस्कस करने से क्या फायदा? कैसी बात कर रही हो आना? बीत गया वो जमाना जब लोग मिली हुई जिंदगी को जीकर मर जाते थे। आज का दस्तूर ये है, जो जिंदगी तुम्हें पसंद है उसे अपने स्टाइल से जियो। एनीवे, डोंट वरी, मैं कल ही तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लेती हूँ। मम्मा, उन लोगों को यह बच्चा चाहिए तो उनमें से किसी को पैदा करने के लिए कहो ना। अहाना, पम्मी जल्दी आओ भाई, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, केक काटना है, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, इंसानों का तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता, आजकल कुत्तों का जन्मदिन मनाया जाता है। 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक जन्मदिन नहीं मनाया। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। Hi, Taffy. कुत्ता 1 साल का हो गया। I know. Taffy, come here. Come. Oh my darling. Come, come. मैंने बच्चा जानबूझ के किया।
कहाँ है आयान? आयान, ये सब क्या है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ क्या हुआ? उसने बच्चे को गिरा दिया। नहीं, मुझे सब पता है। मुझे उसकी माँ ने बता दिया है। माँ सब झूठ है। नहीं आया। माँ 3 दिन पहले तो मुझे बोले थे कि बच्चा नहीं चाहिए। देख, कोई माँ अपने बच्चे को गिरा नहीं सकती। पागल जैसी बात मत कर। ये कर वाकई सीढ़ियों से गिर गई थी। बात का यकीन कर। अरे तुझे विश्वास नहीं है ना? आ मेरे साथ। अरे वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे उसका साथ देना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए उसके साथ। नहीं, इसे दिखा दिखा, इसे यकीन नहीं हो रहा है। दिखा देख, हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। आयान, एक बात बताऊं, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका रहता है। तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी। बहू, तू खाना खा ले। तू चल मेरे साथ नीचे। थोड़ी देर बैठो। कोई जरूरत नहीं है। खाना खिलाने के बहाने फिर से झगड़ा शुरू करेगा। चल मेरे साथ, चल। सूराय कुंभकर्ण, एक याद दिलाने के बाद भी मेरे को तो कोई परवाह भी नहीं है। कम से कम 5 दिन तो शायद। मैं तो कुछ भाग नहीं था। आयान, 12 बज गए। अरे आना, हैप्पी बर्थडे। व्हाट अ सरप्राइज। चेक तो नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा बात भी खोला। हैप्पी बर्थडे आहाना। थैंक यू। ओह माय गॉड, काश ये लड़की हमारे फैमिली के साथ ऐसी हंसती खेलती रहे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू राहुल। गुड नाइट। थैंक्स अफनी। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। Bye, see you after 1 week. Bye, bye. Happy birthday. Come. नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। You better be there, नहीं तू। ये मेरा पहला birthday celebration है इस घर में। Okay, चलो अब आगे मत करो। I'll never ever talk to you, हाँ? चलो आ जाओ। Bye. Hello? Hello? Mama? आना? मम्मा, अभी भी घर पे हो? आर यू? चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने सबको फोन कर दिया है। ओके ओके बेटी, यू बेटर बी देयर ऑन टाइम। हां ऑफ कोर्स। बाय। कहाँ गया? निकलो, क्या है? लेकिन आपको कैसे पता कि यही मुझे पसंद है? पढ़के साड़ी बिल्कुल अच्छी है ना? आयान भैया ने दी है मुझे। भैया ने? हाँ, मेरे पास की पे। तुम्हारा बर्थडे कब है? 2 जुलाई। ओहो, अभी जी दादी ना? इधर आना। अभी मैं 1 मिनट में आई।
आयान। बेटी तू? नहीं बेटे। समझा क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों पी शराब तुमने? क्योंकि आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। मेरी असलियत? मैंने क्या किया है? शराब तो तुमने पिया ना? तुमने मेरी डायरी चुराई। देखो आना, ऊपर चल के बात करते हैं। क्यों? शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती है सबके सामने सुनते हुए कि एक सेकंड, एक सेकंड। जल्दी जाइए सामने, जल्दी जाइए। आयन क्या कर रही हो? बेटी तुम अब बोलो कि तुम एक नंबर के झूठे हो, चीटर हो, मकार हो। तुमने मेरी डायरी चुराई, मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझसे शादी की। आना, इसने डायरी चुराई नहीं, मैंने दी थी इसको। ओह शट अप, तुम सब एक से हो, सब मिले हुए हो। आंटी शट अप। सर ये सब मैंने किए हैं तो आना को पाने के लिए। मुझे मैंने शादी की। बेटे तुम पापा आप बीच में मत पड़िए। तुमने मुझसे शादी किया ना, मुझसे बात करो। तुम मुझसे बात करो। आकर देखो तुमने शराब पी, कल बात करेंगे। अरे छोड़ यार, पार्टी चल रही, कहाँ मूड ऑफ कर रहा है यार। और वैसे भी शराब ही तो पी है। इसमें क्या, शराब ही तो पी है। एक काम करना, तो अपनी माँ को शराब पिला, अपनी बहन को शराब पिला, और जब तेरी बेटी होगी ना तो उसको शराब पिला। अपना गुस्सा उसमें क्यों उतार रहे हो? तुम पे क्यों उठाऊं यार? I love you, Anna. शराब ओके? बढ़िया कल्चर, कल्चर दिखाते हो? पल्लू में लेकिन तुम्हारी खाना है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसकी ये हिम्मत कि मेरी भूल जैसे बेटी को उसने चाटा मारा, जबकि आज तक रम्मी मैंने इसको एक गुस्से की नजर से भी नहीं देखा। This is really too much. Don't worry, आना, उसने तुम्हें रुलाया है, लेकिन मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी। गलती हमारी बेटी की भी है, उसको सबके सामने आयान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस भिखारी ने मेरी बेटी को चाटा मारा, तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ भरी बैठी रहूं? मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुस्से को थूक दो। मैं जाता हूँ आयान के पास, उसको समझा बुझा कर यहाँ पर लाता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की, और ना ही उस घर का कोई इंसान इस घर में मैं घुसने दूंगी। इस मामले को किस तरह से ठीक करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुझे बहू को इस तरह चाटा नहीं मारना चाहिए था। आपने देखा नहीं किस तरह से बदतमीजी से बात करी थी वो? अगर अंजू ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की होती मैं तो उसे। करण, जरा सोचो, अगर अवनी के साथ इस तरह से कोई पेश। देखो माँ, अवनी ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करती, और वैसे बिहेव करती उसका हस्बैंड उसको चाटा मारता ठीक ही करते, बिल्कुल सही है। बस बाबा, मैं तुम दोनों के साथ बहस नहीं करना चाहती। अयन जरा सोचो, मैंने माना कि बहू ने ना समझी की है, लेकिन तुम तो समझदार हो, जाओ उसे लेकर आओ। नहीं, अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो उसका क्या होगा? वो बेचारी तो कहीं क्यों नहीं रहेगी। मुबारक हो, आपकी लड़की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी माँ, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अब बेटी तुम्हें हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चलूं? आइए आइए आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। पम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों के तो झगड़े होते रहते हैं, फिर ये 6 महीने में 2 बार प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अब तुझे क्या बताओ रमी, उस लड़की को तो सिर्फ मेरे बेटे के जिस्म से लगाव है। लो आगे स्ट्रॉन्ग मैन अपनी बीवी पर हाथ उठाते। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सब जानती हूँ, सॉरी बोलने आए हो ना? अब दो झूठे आंसू भी बहोगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किस हक से तुमने मेरे बेटी पे हाथ उठाया? अगर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया होता ना,
तो उसकी एक एक हड्डी पसली तोड़ देती मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आना से मिलने आया हूं। तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुम्हें मां चाहिए या ये लड़का। आना, आना, मिस्टर आना। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने जाने का फैसला किया तो हम सब लोग तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए मर चुके हैं। चुप, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपनी मां को छोड़ सकते हो? नहीं ना? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मां को छोड़ दूं? मेरी मां हम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारी मां हम दोनों को अलग अलग देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरी मां बुरी है, मेरी पूरी फैमिली बुरी है, बस तुम्हारी फैमिली सही है, तो तुम बुरी लोगों के साथ कर क्या रहे हो? जाओ ना, रहो अपनी मां के साथ। तुम्हारा क्या फैसला है? ऑफ कोर्स डिवोर्स। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर तुम जिंदगी भर सिर्फ रोती रहोगी, मुझे देखो मैं डिवोर्स करके कितने सुखी हूँ। मैरिज इज नॉट बुलशिट, डोंट टीच मी एनीथिंग। आना, तुम मुझे बताओ क्यों? तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स लेने की बात तुम करोगी क्या? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, शी इज माई डॉटर एंड शी इज इक्वली कॉम्पिटेंट, वो चाहे जो बन सकती है, शी कैन बी अ टॉप हीरोइन, शी कैन बी अ टॉप मॉडल। तुम्हारी मां अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं बन पाई, इसलिए अपना हर सपना तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती है। अगर तुम्हारी लाइफ में महात्मा गांधी जैसे भी आदमी आए ना, तब भी उसमें कुछ खराबियां निकालेंगे। Of course. Now will you please get out? Who wants to be here? I said get out. Thank God. आना, अब हम कल ही जाकर वो अबॉर्शन फाइनल कर देंगे। तुम मैं बनने वाली हो जो प्रेग्नेंट, और तुम मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहती हो? मैं चलो, ये मेरा खून है, इसीलिए ये तुम्हारा गंदा खून है, इसीलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। Will you shut up? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं देता हूं तुम्हें डिवोर्स, लेकिन अगर मेरे बच्चे को मारने के लिए किसी ने सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? और सर, मैं आपसे एक बहुत कड़ी बात करना चाह रहा हूं, जो आपकी खामोशी है ना, इसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं हो, कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा। तलाक के लिए आमादा है, तैयार है, तो बहस का कोई मतलब ही नहीं उठता। लेकिन कानूनी ढंग से आप दोनों को तलाक के लिए एक साल तक अलग अलग रहना पड़ेगा। अगर एक साल में आप दोनों में सुलह हो जाती है या फिर आप दोनों एक साथ फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं, तो
आप लोगों को तलाक नहीं मिलेगा, वरना एक साल के बाद आज ही के दिन आप दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी जाएगी। जज साहब, कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। साल क्या, मैं तो कहती हूँ कितने भी जन्म बीत जाए सुलह नहीं हो सकती। मुझे इनसे यही उम्मीद थी जज साहब। जज साहब, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। What nonsense are you talking? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि कौन सेंस बात करता है कौन नॉनसेंस है। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इस लड़के के लिए मेरी बेटी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जज साहब, जब भी बच्चे की एक शादी कराए या दस, दस अबॉर्शन कराए या पचास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। That's impossible. जज साहब, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उनको जितनी शादियां करना करें, कितने अबॉर्शन करना करें, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इन सात महीनों में मैंने सात जन्मों के विवाहित जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लिए कौन बचा? एक नन्ही सी जान जो इनके जिस्म में पल रही है। जज साहब, मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब, ये सब रोने का नाटक कर रहा है, आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। देखिए, आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये अदालत का आदेश है। शुक्र है भगवान के, मासूम की हत्या होने से बच गई। तुम वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते उस फैमिली के साथ? तुम क्यों चली जाती यहाँ से कोर्ट के बाहर? क्यों? जज साहब, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं। यस, कहिए। जज साहब, इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था, मुझे डर है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे और कहेंगे कि मिसकैरेज हो गया। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा पैदा हो ये मेरे साथ मेरे घर पर रहे। जज साहब, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक है जज साहब, आपको तो मालूम है ना, एक हिंदुस्तानी नौजवान के लिए घर जवाई बन के रहना कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ। ये मेरे घर पे कैसा रह सकता है? मैंने कहा ना, आप अपना मुंह बंद रखिए, आइंदा बोलेंगे तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगी। क्यों मुंह खोलती है? जज साहब, जो मदर मैं आपसे ऐसी बात कर सकती हैं, तो मेरा उस घर में क्या हाल करेंगी? जज साहब, आप मेरे मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकती हैं? अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दलील नहीं, अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर आयान अहाना के घर में ही रहेंगे और अदालत मिस्टर आयान को और उनके होने वाले बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। The court is adjourned. लिखा लड्डू, ये खाओ बेटी। ये क्या करियो तुम इस वक्त, इसके लिए ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इसको ये क्यों खिला रही हूँ। सत श्री अकाल जी। ओए बल्ले बल्ले, भूल गई आप? आप ही के कहने पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आपकी कुड़ी को डिवोर्स चाहिए तो डिलीवरी होने तक इनके नाल रहना पड़ेगा, करेक्ट? मगर तुम कौन हो? पुलिस कांस्टेबल हरविंदर सिंह हावी। यहाँ क्या कर रहे हो आप? जरा चुप बैठिए, इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो ये इन पे कड़ी निगरानी रखेगा, इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे प्लीज सोच समझ कर उठाइए वरना मजिस्ट्रेट को फोन कर देंगे। अरे दामाद, आप खड़े क्यों, बैठकर कुछ खाऊंगा। दामाद कौन? दामाद मुरारी, इन दोनों को सेवन क्वार्टर्स दिखा दो। जी नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा लेकिन इनके साथ। व्हाट? कपूर साहब। बोलो बेटा। मैं इनके साथ रहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे अपने बच्चे की खातिर इनके साथ रहना पड़ेगा। चंगा, वेरी गुड। ये आप क्या खा रही है? पपीता खा रही हूँ। क्या आपको मालूम नहीं कि पपीता की तासीर गर्म होती है, बच्चे के लिए नुकसान है? झूठ के पास लगे सर, डॉक्टर की लिस्ट मैं खाता हूँ। बहन जी, मेरे पास डॉक्टर की लिस्ट है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। बादाम दूध लो, आप खुद पढ़ लो जी। मगर मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ। खाना पड़ेगा जी। मजिस्ट्रेट को फोन लगा। सर जी, इस कार में फोन कितने है ना? ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे करना पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी, हमको जेल हो जाएगी। हेलो जी। हाँ जी, मजिस्ट्रेट साहिबा,
मैं कांस्टेबल हरविंदर सिंह हार्वी बोल रहा हूँ। सर जी ये डिवोर्स कैंसिल कर दीजिए। What? क्या है कि ये मेरे भाई के बच्चे को मारना चाहती है कुड़ी। सरदार जी आपके भाई कौन है? जी मैं। क्या? जी हाँ, क्योंकि हर हिंदुस्तानी भाई होता है। करेक्ट जी सिस्टर, तुसी ग्रेट हो पार्टी। थैंक यू जी। ये क्या कर रही हैं? चिकन खा रही हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके दिल में प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा मोटा पैदा हुआ। देसी क्यों खा लो जी? जरूर बहन जी। हाँ? तुम कहाँ आ रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने। तो चलो। क्या ऐसी क्यों दिख रही हो कि पहली बार दिख रहे हो क्या? उस वक्त तो मेरे पति थे, मैं किसी गैर आदमी के सामने नहीं आऊंगी, समझे? देखो तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ। और बाकी तुम्हारे पास दो चॉइस है, मैं हूँ या हवलदार को भेज अंदर। ठीक है, हवलदार को भेज दो। आई ब्रिंग न्यूज़। क्या हुआ? अच्छा वर्ड दिवस लिया, पता नहीं कितने हवलदार तुम नहीं। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस? हां ना शादी से पहले किसी के साथ नहीं हूं, ना टूटने के बाद किसी के साथ नहीं, समझे? रियली? हां रियली? ओ गॉड, तुम क्या कर रही हो? अब तुम क्या चाहते हो? ठीक है, बच्चे को देखना चाहते हो ना? ठीक है, कम 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 स्टॉप दिस यार। व्हाट इज दिस? हां आई एम नॉट अ गॉड, आई एम योर हस्बैंड। एक्स हस्बैंड। ठीक है, मार दो। मैं मैकेनिक पे हाथ नहीं उठाती, लेकिन मैकेनिक जी ना आराम कर दिया मेरा। सुनो क्या है, क्या है? डिग्री से मैं नहीं आ रहा, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ओके शादी कभी मत करना। आपकी जगह यहां नहीं, यहां। अरे वाह क्या फिट हो गई। तुम तो क्या कर रहे हो? देखो देखो रिलैक्स, मेरा बच्चा तुम्हारी आंखों से देखता है, प्लीज ऐसी ऐसी चीज मत दिखाई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मम्मी के फोटोग्राफ को डस्टबिन में डालने की? हाउ डेयर यू? तुम अपने आप को समझते क्या और मुझे क्या समझते हो? क्या हुआ? लिबर पिन तुम दोनों ने मेरे नाक पे दम कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले भी मुझसे यही कहती थी ना कि तुम मुझे जिंदगी भर तक नहीं छोड़ोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि बोलने का अंदाज बदल गया है और उससे मायने। अरे देखो तो कौन आया है। नमस्ते बहन जी, आना कैसी हो? हम आप सबके लिए और खास करके बहू के लिए मिठाई लाए हैं। क्यों, हमने कभी मिठाई खाई नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेहमान, आप एक काम कीजिए मुझे दीजिए। बेटा कल दिवाली है और आप तो जानते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। हाँ। लक्ष्मी के बिना पूजा कैसे हो? मेरी बेटी दिवाली पे कहीं नहीं जाएगी। वैसा आप चिंता मत कीजिए, आयान है ना, हवलदार है ना, सब ठीक हो जाएगा। दिवाली तो मनाएंगे। तो बात कर, मैं तो बात करता हूँ। आना आज दिवाली है, घर चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी उस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। आना आज कोई भराई का रसम है, मैं तुम्हें नहीं मेरे बच्चे के लिए जाना चाहता हूँ। रसम यहाँ पर भी हो सकती है? यहाँ तुम लोग सिर्फ गोद जाने की रस्म आती है, कोई भराई की नहीं। दिवाली के लिए घर पे चलना है, समझे? हेलो, हाय, आपको शाम की पार्टी पक्की है? हा? कोई पार्टी वार्टी पक्की नहीं है, शाम को आओगी ऐसे लगड़ी जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह से बात करने की? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उसका नंबर क्या? लड़की का? वो लड़की नहीं औरत है, चार बार उसका तलाक हो चुका है। लगा तो सिर्फ रमनी को उसकी मम्मी याद दिला। पम्मी मैं रमी बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ। मैं भी इधर से ही बोल रहा हूँ, मैंने आपको फोन किया था। आज शाम को दीवार की पार्टी है ना, ताश खेलेंगे, शराब पियेंगे, अपने दोस्तों को बुलाओ ना। और बोलो यहाँ पे आए, इतना मारूंगा तांगे तोड़ दूंगा, लगा दी जाएंगी सब लोग। पम्मी वो क्या बदतमीज़ है, क्या गुंडागर्दी, इतनी बड़ी इंसल्ट।
हवालदार साहब, क्या आपको दिखाई नहीं देता ये लड़का इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो? ओए बीबी जी, देखने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ये फैमिली मैटर है, कानून के दायरे के बाहर है और मैं कानून वाला हूँ तो एंट्री कैसे ले सकता हूँ? डायरेक्ट मम्मा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो कहते हैं वो करते हैं, बेहतर इसी में मैं इनके साथ चली जाऊँ। डायरेक्ट दिवाली मुबारक हो। खाओ लो, रम्मी की रम्मी हो गई। ओह नो, मम्मी तो पूरे 5 लाख रुपए हार गई। ओए की हो रहा है यहाँ पर? जुआ हो रहा सर? जुआ इज इलीगल। घर है ये क्लब, नाइट क्लब। आना मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी, अब देखना मैं लंबी जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। कम ऑन लक्ष्मी। लक्ष्मी ऊपर जा, तुम ऊपर जाओ, ये सब दुआ सिग्नल बच्चे के लिए अच्छा नहीं। आई सेड गो अप। हवलदार जी, इस कार में फोन कितने है जी? हेलो जी, पुलिस स्टेशन। ओ पापा जी, इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह सुखे जी। और दिवाली की जी यहाँ पे शराबें चल रही है, पत्ते खेले जा रहे हैं जी। सलूट सर जी। ठीक है ठीक है जी। ओ भाई साहब, आप कौन हो है जी? सर जी, इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी। तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब? जाओ ना बैठो, मैं तो कह रहा हूँ सो जाओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग करने क्या आए थे यहाँ पे? है जी हाँ जी, कर बुलाया किसने आपको? तो जिसने बुलाया ना उसके नाम वारंट है मेरे पास, नाम बताओ मुझे। और मैं क्या, मम्मी रम्मी को बुलाओ यहाँ पे। मम्मी रम्मी जी, ओए ओए इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे सामने खड़े इधर आओ। और मैडम आपके साथ तो मेरा पुराना अकाउंट है, इधर आओ। और मैं क्या इधर आओ। अरविंदर जी को लाइन में खड़ा करे, पीछे तीन दिन लगा। तीन तीन सर जी, उठे देख उठे देख मम्मी की बारी। चलो 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 जी, क्या कर रहे हैं आप? वो छड़ा अरविंदर, इसे कह दे कि अभी औरत के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। आइए सर जी, इन्हें माफ कर देंगे, कर देंगे यार। वो तो अच्छा मैडम आपने टाइम पर हमें सॉरी सॉरी बोल दिया, तो वरना हम तो बड़े कंफ्यूज से हो गए थे कि हम इतने सारे लोगों को कौन से लॉकअप में रखेंगे। हैं जी, मैं क्या करके, मर्द को बुलाओ। मर्द था लेकिन शादी के बाद मैं इनके जैसा हो गया हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? और यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने किया कुछ नहीं। अगर आपने अपनी बीवी को कंट्रोल में किया होता ना, तो आज हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों अरविंदर? सर जी कंट्रोल नहीं होता यार। समझ गया समझ गया। तो मैं आपको सलाह देता हूँ भाई साहब, हफ्ते में 4 दिन ना बीवी को चमाट मार दिया करो, तभी ठीक। और सुन यार, मैं तो जल्दी में हूँ, बिजी हूँ, मुझे एक जगह और धाड़ मारने जाना है। तू हैंडल विद केयर द मैटर। सर जी सर जी, और मैंने आपको बहुत काम की बात बताई है, याद रखना। चलो चलो चलो, पहले आप अपने पति के पास जाइए, इनको 4 तलाक हो चुके हैं। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी डिलीवरी को अभी भी 10 दिन बाकी है। मैंने सुबह ही डॉक्टर से बात की। नहीं मम्मा, आज बहुत दर्द हो रहा है। आना बेटा, ये लेबर पेन नहीं है, मुझे मालूम है। एक पेन किलर लो और जाकर सो जाओ। ऐसी माँ को तुम मार देना चाहिए। बस अंदर जाओ और 10 मिनट में बाहर, और बच्चा हाथ में, और 2 महीने में दाग भी गायब हो जाते हैं। ये सिजेरियन की बातें क्यों कर रही है? पता लगा क्या था डॉक्टर? नॉर्मल है ना? या इट्स नॉर्मल भैया। ये नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या फर्क होता है? चुप। राहुल, हाँ, सिजेरियन में पेट काट कर बच्चे को निकालते हैं। ओ, और नॉर्मल में? बगैर पेट काटे। बगैर पेट काटे, वो कैसे? देखो राहुल, मैं पूरा स्क्रीन पे तुम्हें। चुप चुप, और तू भी चुप, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है। ये घर नहीं हॉस्पिटल है, चुपचाप बैठा रहे यहाँ। अरे, कैसा बन गया?
बच्चा कहाँ है माँ? आपकी तरफ उसे बाहर ले गए हैं। निर्मला जा, बच्ची को लेकर आ। जी मैम। कैसी हो आना? हाँ डॉक्टर, वो लोग तो बच्चे को लेकर जा रहे हैं। हेलो मिस, एक्सक्यूज मी, इस बच्ची को लेकर इसकी माँ के बिना तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम पति पत्नी का डिवोर्स हो चुका है, कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मुझे दी। लेकिन एक दिन की ये बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? ये मेरी माँ है, इनको चार बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, मेरी दादी को पांच बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है। घबराइए मत, बड़े प्यार से रखेंगे। आप तो इस बच्ची को पाल लेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते इस बच्ची को कम से कम दो महीने तक माँ का दूध पिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी माँ के हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बच्ची को दो महीने तक माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ दो महीने? जी। चलिए। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? लेकिन पहले इनसे कहिए कि ये बाहर जाए। He is insulting me. मैं क्यों बाहर जाऊं? No problem. हम लोग चले जाते हैं। अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहती हैं, प्लीज दो मिनट के लिए बाहर जाइए, प्लीज। ओके। डॉक्टर साहब, मैं सब भूल जाता हूं। ठीक है कि ये मेरी बच्ची को दूध पिलाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन्हें मेरे घर पे आके दूध पिलाना पड़ेगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लड़की है, एक दिन इसे पराए घर जाना है, और मैं ये नहीं चाहता कि इसकी माँ का और इसकी माँ का असर मेरी बच्ची पर पड़े, और कोई लड़का मेरी तरह सफर करे। बिकॉज डॉक्टर साहब से फिर मीन क्योंकि कहीं पर भी दूध पिलाइए, लेकिन माँ का बच्ची को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। ये तो आप करिए ना डॉक्टर, इनसे भी तो पूछ लीजिए कि ये इसे दूध पिलाना चाहते कि नहीं, क्योंकि दे वेरी फिगर कॉन्शियस द होल फैमिली। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक ऑलरेडी अबॉर्शन कर चुकी है। अगर इसे अपनी सेहत प्यारी है तो जहां आप कहेंगे इसे वही आकर बच्ची को दूध पिलाना पड़ेगा। हाँ मामा। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, बच्चे को दूध पिला रही थी। पागल हो गई? बच्चे को अपना दूध पिला रही है, फिगर खराब करना है क्या? बच्चे को बोतल का दूध पिलाने की आदत डाल दो, समझी? कुछ नहीं मामा, मुझे पांच मिनट के बाद फोन करना। ओके ओके। तुम्हारे बच्चे को अलग नहीं कर रहे हैं, वो तो इसका भविष्य बनाना चाहते हैं। हर बच्चा अपनी माँ के पास खुश रहता है। मैं इस बच्चे की परवरिश के लिए भीख मांगूंगी, लेकिन अपने बच्चे नहीं बेचेंगी। Thank you.
मेरी शादी से लेकर आज तक 25 साल ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी मां की हर बात मानी, हर बेइज्जती सही। जानती हो किसके लिए? सिर्फ अपनी औलाद के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए। लेकिन तुम क्या करो अपनी औलाद के लिए? जो तुम्हारा खून है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, अपनी झूठी खुशी के लिए खुद से अलग कर रही हो। तुम्हें सिर्फ अपनी मां की खूबियों को अपनाया है, अपने बाप का कुछ भी नहीं अपनाया। प्यार का मतलब समझती हो? प्यार का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग, कुर्बानी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने आयान के साथ कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि प्यार करने वाला इतनी मफलत नहीं करता बेटी। प्यार और औलाद के बिना इंसान कभी खुश नहीं रहता, और अगर तुम खुश नहीं रही ना बेटी, ये तुम्हारा बाप जीते ही मर जाएगा। हाँ बेटी, अरे जल्दी पानी लाना। तो सुनते हो? आ गया। अरे जल्दी जल्दी वो बिछाओ पहले। अरे पहली बार करो, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए ना। करो पाउडर लगाओ। हाँ पाउडर लगाओ। अरे ये नहीं बाबा, वो अरे रो रही है, रो रही है, मुझे लगता है इसे भूख लगी है। मम्मी जी दूध। ओले ओले ओले, कितनी जल्दी है। हाँ नहीं, इसे बहुत भूख लगी है। अंजू, आई थिंक इसे सेरेला की आदत डाल देनी चाहिए। सही है ना? सही है ना? 2 महीने बाद नहाना चली जाएगी तो पाउडर वाले दूध पी तो जाएगी बच्ची। लगता है रुकते दूध पिला दिया, मुझे दे दो। आज बुआ पास आ जाओ। चलो दादी मां पास चलते हैं, उनके साथ खेलेंगे। कैसे जानती? कभी जाता नहीं था, मां का ही नहीं मिला। मैं तो मेरा बेटा मम्मी के पास आकर रोती हूँ, क्यों मुझे इतनी सजा दी? परेशानी क्यों कर? बेटा ये सजा तो बहुत कम है। ये जो अभी तुम्हारी मम्मी ने कहा है ना, उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तुम बड़ी होगी, तुम्हारी बच्ची होगी, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी बच्ची को लेकर कोने में रोती बैठो। मालूम इसका मतलब क्या होगा? कि तुम एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। सर ये आपके नाम की रजिस्ट्री है, यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू। डिवोर्स के पेपर्स आ गए। आयान, आयान
हम। आज के बाद हमारी बच्ची इससे दूध पिएगी। अरे सुनो तो, आया बुला क्या था मैडम का। इनका दूध पिलाने का टाइम खत्म हो गया। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसकी मम्मी को फोन लगाते हैं। आइए अपनी बेटी को ले जाइए। कौन सा नया ड्रामा है? तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए था। तुम उसके पेपर आ चुके हैं, तलाक हो चुका है। ना इस घर पे, ना मुझ पे, ना इस बच्चे पे तुम्हारा कोई अधिकार है। प्लीज जाइए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। आयन इसे माफ कर दो। माँ आप मुझे माफ कीजिए, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। आयन बेटे, बहू को देखिए दादी माँ, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो इस घर में कभी खुशियां नहीं आएगी, क्योंकि ये जानती नहीं है कि असली खुशी दूसरों को खुश रखने में, असली इज्जत बड़ों की इज्जत करने में। इसकी माने कभी से सिखाई नहीं से। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए। क्या, जो बच्चा 3 महीने का भी नहीं हुआ उसे तुम अलग नहीं कर सकती? और तुम 30 साल के बेटे को उसके माँ उसके पूरे परिवार से अलग करना चाहती थी? आया, सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है यार। देख कर, मुझे कोई बड़ा बड़ा नहीं बनना। जिसको चोट बचती है उसको ही दर्द का एहसास होता है। मालूम हमारी मैरिज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो सली डायरी जिसे मैंने पढ़ ली, अरे उसमें लिखा क्या था? मेरा फेवरेट कलर ये, मेरा फेवरेट हिल स्टेशन ये, और उसमें ये लिखा होता ना कि मेरा पति मेरा बाप जैसा होगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। क्यों रो रहा हूं? किसके लिए रो रहा हूं? जिसने मेरी बेटी को गंदा खून कहा, जाओ अपने अच्छे खून के पास। बनाइए एक्ट्रेस, बनाइए मॉडल, करा दीजिए शादी किसी ऊंचे खानदान में। चलो बेटी, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है ना, तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना किसी की परवाह करने की। इसे एक मौका दे दो, अपनी समझ गई। नहीं सर, देख लिया आपने अपनी खामोशी का नतीजा। याद ने मैं तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वो दिन आज है।
गेट आउट। यहाँ पर तुझे कोई नहीं समझेगा बेटी, चलो। इस घर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। सर चलो। नहीं सर, थैंक यू सर। शर्म नहीं आती क्या? चलिए सर, मेरा बच्चा। क्यों रो रही है? बेटे इसे अपनी माँ की जरूरत है। बेटी किस माँ के लिए रो रही थी जो तुझे पैदा भी नहीं करना चाहती थी? आया, तू 30 साल का होने के बाद भी अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। तो ये तो 3 महीने की है, अपनी माँ से अलग कैसे रहेगी? तू आहला को नहीं चाहता है ना? ठीक है, लेकिन बच्चे को तो चाहता है, तो बच्चे की खातिर आहला को लेकर आ। जा। माँ, आपको क्या लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ दिन अपने पति अपने बच्चे के बिना रहेगी, उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे एहसास हो चुका है आयान, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। जा आयान, उसे लेकर आ। तुम जानती हो आना, तुम्हारे लिए मैंने अमेरिका में एक लड़का पसंद किया है और मैंने उसको सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, सब कुछ। मम्मा गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको। पागल हो गई क्या ना? गाड़ी क्यों रोको? मम्मा गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। आना आना, पागलपन मत कर। जा रही हूं। आना पागलपन मत करो, आना गाड़ी में बैठ जाओ। मम्मा मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। भूल जाओ उसे। तूने देखा नहीं उस लड़की के तेवर क्या थे? किस तरह से तुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया? अब तू दोबारा उसके घर पे जाना चाहती है? मम्मा, वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके घर के चौकर पर कदम नहीं रखूंगी। हाँ ना? नहीं मम्मा, मुझे छोड़ दो। जाने दो उसको। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पे है। हाउ डेयर यू, बेवकूफ औरत। शादी के बाद घर के सुख के लिए, सुकून के लिए मियां बीबी के बीच में कोई ठुक जाता है, कोई दब जाता है। मैं दबा, अपने परिवार के लिए दबा, और तुम इस चुप को एक कमजोरी समझने लगी। लेकिन आज मैं टुकराने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज सवाल है मेरी बेटी की जिंदगी का। अरे कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो? अपने इन हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, फिनिश, दी एंड। नहीं। चुप। बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल हो गई मुझसे, प्लीज, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चुप। एक काम करो, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। जा बैठो गाड़ी में। जब आप अब भी अपने पति और बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप मुझे मेरे पति और बेटी को छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? अरे बेटी, आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? बस बस बहुत हो गया, चलो अंदर। हाय मम्मी, क्या कर रहे हैं? पति की सेवा? बोर मत करिए यार, पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहे? गेट आउट, और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। मम्मी मजाक मत करिए यार, कम ऑन गेट रेडी। सुना नहीं इसने क्या बोला? उठू क्या मैं? चला गया से। दोबारा आ गई लगता है। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार। मामा जी आए ना,
सराहना का है सर, उसे बुला दीजिए ना। वो तुम्हारे घर नहीं गई, वो कह रही थी कि वो मर जाएगी लेकिन हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। अगर वो आहाना गई कहां? तू अकेली क्यों है और आहाना कहां है? पता नहीं कहां चली गई। मैं बच्ची कह मां, यहां क्यों आई हो? मैं बच्चे के लिए आई हूं। अरे सुनिए, क्या है? मेरा मतलब है दूसरे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। एक बात बोलूं? क्या? I'm convinced. अब कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। I love you. और अभी से शादी is going to be mine, bro. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.